नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मिस इंडिया मिस्टर इंडिया का खिताब जीत रेवाड़ी पहुंची अंजलि का जोरदार स्वागत। रेवाड़ी से महेंद्र भारती के साथ पल पल की विशेष रिपोर्ट। जी हां, जहन में अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती, और इसको सच कर दिखा है रेवाड़ी की अंजलि ने, जिसने मूक बधिर होते हुए भी हाल ही में गोवा में हुई एक ऐसी मूक बधिरों की प्रतियोगिता जिसमें मिस इंडिया का खिताब जीत करके न केवल प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। मिस इंडिया का खिताब हासिल कर अपने शहर रेवाड़ी पहुंची अंजलि का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। अंजलि के माता पिता ने कहा कि यह सब अंजलि की अपनी काबिलियत का नतीजा है, जिसके दम पर वह आज इस मुकाम पर पहुंची है। वहीं दुख तो है इस बात का कि वह ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि ऐसे बच्चों को सरकार सहयोग करे ताकि वह भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके अपना नाम रोशन कर सके। इस मूक बधिर बच्ची ने मिस इंडिया ने अपनी बड़ी बहन के सहयोग से अपनी भाषा में पत्रकारों को बताया कि जब उसने गोवा में मिस इंडिया के खिताब को नवाजा गया तो उसे गर्व महसूस हुआ। उस उपलब्धि का श्रेय वह अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देगी, जिसके मार्गदर्शन में वह इस मुकाम पर पहुंची है। उसका सपना है कि वह अपनी काबिलियत के बलबूते पर मिस वर्ल्ड बन करके दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करे। आपको बता दें कि अंजलि के पिता पंजाब में सीएम सिक्योरिटी के बतौर इंस्पेक्टर कार्यरत हैं। अंजलि की एक बड़ी बहन शादीशुदा है और एक छोटा भाई है। अंजलि ने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है, जबकि वह इस समय 12वीं की परीक्षा 12वीं क्लास मूक राजकीय मूक बधिर स्कूल से कर रही है। आप देख रहे हैं पल पल की यह खास रिपोर्ट। क्या कुछ कहेंगे अभी जो उपलब्धि आपकी बेटी ने हासिल की? जो हमारे बच्चे ने अपने हरियाणा का और रेवाड़ी का नाम रोशन किया है, हमें अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा गर्व है। किस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचा अभी तक, जो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बचपन से बहुत मेहनती थी, वो इंटेलिजेंट भी थी, पर भगवान ने इसको जबान नहीं दी, उसका हमें बहुत अफसोस है। हम चाहते हैं कि अब और तरक्की करें और हमारे हरियाणा का, रेवाड़ी का और हमारे जांगड़े समाज का नाम ऊँचा करें। स्टडी कहाँ तक की है और अभी तक किस तरीके से यहाँ तक मुकाम तक पहुँचने में जो ये कामयाबी मिली? प्लस टू भी पेपर देगी, पढ़ने में इतनी ज़्यादा होशियार तो नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छी है। हम चाहते हैं हमारे जांगड़े समाज का, रेवाड़ी का, हरियाणा का और देश का नाम रोशन करे। ऐसे बच्चों को हम चाहते हैं कि जो हरियाणा गवर्नमेंट, स्टेट, अपने भारत गवर्नमेंट इन बच्चों के प्रति थोड़ा सा गवर्नमेंट की जॉब में इनको अच्छा मतलब मौका दे। इन बच्चों के प्रति जैसे हैंडीकैप्ड बच्चे हैं जो डिफेंड डैम पे बोल नहीं सकते, उनके लिए और नौकरियां पैदा करें और इनके लिए जीवन में खुशियां लाए। सर, कैसे विचार आया कि इस बच्ची को इस मुकाम तक पहुँचाया जाए? ये इसकी मेहनत हमारी कम है, इसकी मेहनत ज़्यादा है। हमने तो इसको इतना आगे ले जाने की कोशिश नहीं है, खुद ही इसने किया है। सबसे मेहनत हमारे बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, मैं तो फिर भी कम लेता था। आखिर कैसे बना इस बच्ची का इंटरेस्ट इस ओर? एक बचपन से मतलब कहते मैं मॉडलिंग करूंगी, मतलब आगे जाऊंगी, फिर भी हम सोचते थे ऐसे बच्चे हम इसको लेके आगे कहाँ जाएंगे, फिर भी इसकी मेहनत ज़्यादा है। मैंने तो बाहर नौकरी में ज़्यादा रहा हूँ, हमारे बच्चे की मेहनत ज़्यादा है, इसकी मम्मी की है, इसकी बहन की है और इसके भाई की है, स्कूल की है। ठीक है, ये बोलना चाह रही है कि अगर मुझे गवर्नमेंट हेल्प करती है, पैसे वगैरह देती है आगे, तो मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल बिल्ड करना चाहूंगी और उनको सिखाऊंगी कि कैसे आगे आगे लाइफ में बढ़ा जा सकता है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ऐसे बच्चों को कैसे टीच कर सकती हूँ, कैसे पढ़ा सकती हूँ। तो ये कहना चाह रही हूँ।
इस लाइन में जाने है कि अगर ये आगे मिस वर्ल्ड के लिए जाना चाहती है और मिस वर्ल्ड बन के ये अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहती है, हमारे इंडिया प्राउड फील कर सके। बहुत अच्छा फील हुआ इसने, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराया।